कहना क्या चाहेंगे, हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि सर हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए, सरकार उसको भी ये कहती है कि इन्होंने तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम, 6 महीने यहाँ पर हो गए सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे, पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। कितने बजे से ये आप लोग शुरू कर देंगे और कितने बजे तक चलेगा ये तो चलता ही रहेगा, अभी शुरू हो जाएगा, 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा और ठीक ही है, और सरकार का पुतला फूंकेंगे 10-10:30 बजे से 11 बजे, और पुतला फूंक के फिर ये चलता रहेगा, फिर अपना मंच चलेगा। कितने बजे तक फिर भी कोई कार्यक्रम, जैसे आपने कल कहा था कि ये तो शाम तक ही झंडे तो लगे रहेंगे, ये क्या उतारते, जो झंडे लग गए अपना लगे रहेंगे, तो शांतिपूर्वक सारी चीजें हो, शांतिपूर्ण तरीके से। और कोरोना को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्या कुछ कर, और वो तो जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे, मास्क लगाएंगे लोग, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं, और दूरियां बना कर रहते हैं, अपनी जो झोपड़ियां बन रही तो उसमें दूरियां बना कर लोग रहते हैं। ये बताइए आज क्या बाहर से कुछ किसान आएंगे आप लोगों का समर्थन करने? नहीं नहीं, ज्यादा कोई लोग नहीं बुला रखे आज, जो रूटीन में जो जहाँ है वो वहीं पे ही रहेगा, कोई भीड़ भाड़ कोई नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं।